Okay, good morning all again. So when we are in the previous class, we were talking about the infrastructure of the big data. So when we were talking about the big data, तो हमको ये डिसाइड करना है कि मुझे क्या इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होगी. जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट की बात करते हैं तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों होता है, हार्डवेयर भी होता है और सॉफ्टवेयर भी होता है. हार्डवेयर की बात अगर करें तो हार्डवेयर में फिर अपन बात करने लगते हैं, अगर मैक्सिमम स्टोरेज कैपेसिटी की बात करते हैं, प्रोसेसर की बात करते हैं कि क्या प्रोसेसर होगा और क्या हमारी स्टोरेज कैपेसिटी होगी. और अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो सॉफ्टवेयर में हम दो तीन पॉइंट हमारे जैसे इंपॉर्टेंट होता है कि सिक्योरिटी हमारे पास है कि नहीं, हमें जो डेटा आ रहा है उसके एनालिटिक्स करना है तो एनालिटिक्स टूल्स हमारे पास कौन से होंगे. तो वो दो इंपॉर्टेंट हमारा इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर आ जाते हैं. फिर हमने इसमें एक कल डेटा सेट को डिस्कस किया था कि एक डेटा सेट हम क्रिएट करते हैं बिग डेटा में और डेटा सेट्स के आधार पे हम काम करते हैं. फिर हमने यहाँ पे देखा था द सेम थिंग जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि मुझे क्या क्या जरूरत पड़ेगी बिग डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर में. मीन्स एक हमें टूल्स और एजेंट्स की जरूरत है दैट विल कलेक्ट द डेटा, सॉफ्टवेयर सिस्टम और फिजिकल स्टोरेज डिवाइस की जरूरत है जहां डेटा को हम स्टोर करेंगे. एक मुझे नेटवर्क की जरूरत पड़ेगी जहां से डेटा हमारा ट्रांसफर होगा और एक एप्लीकेशन एनवायरमेंट की जरूरत पड़ेगी जो हमारा एनालिटिक्स का काम करेगा और फिर एक आर्काइव इंफ्रास्ट्रक्चर जो मुझे बैकअप करके देगा आफ्टर द एनालिसिस इज कंप्लीट. सो वी हैव सीन दैट लॉट ऑफ थिंग्स कैन गो रॉन्ग विद दीज वेरियस कंपोनेंट्स. जब इतने सारे कंपोनेंट्स अब हमारे पास आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम भी खड़ी हो सकती है, कोई बड़ी प्रॉब्लम भी खड़ी हो सकती है. मीन्स देर आर नंबर ऑफ थिंग्स दैट कैन गो रॉन्ग. तो सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट या कॉमन प्रॉब्लम्स की बात अगर हम करने वाले थे कल कि व्हाट आर द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स दैट वी एक्सपीरियंस और वी गेट अ डिले व्हेन वी आर वर्किंग ऑन द डेटा. सो लेट अस सी ये फिगर अपन ने कल समझा था. तो जो कॉमन प्रॉब्लम्स की हम जो बात कर रहे थे वो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं. नंबर वन द स्लो स्टोरेज मीडिया. अब स्लो स्टोरेज मीडिया मीन्स कि हम डेटा पे जब काम करना है, डेटा को मुझे स्टोर करना है, डेटा को मुझे ट्रांसफर करना है, मीन्स क्लाइंट से सर्वर पे डेटा को जाना है, नोड से सर्वर पे डेटा को जाना है, फिर सर्वर से डेटा को मुझे रिपोर्ट जनरेट करने के लिए वापस नोड पे लाना है, तो कहीं ना कहीं डेटा ट्रांसफर हो रहा है. जब डेटा ट्रांसफर हो रहा है तो डेटा कैन ट्रांसफर कैन बी स्लो, तो वो स्लो होने के चांसेस हैं. अगर डेटा स्लो रिसीव हो रहा है मुझे तो मुझे क्या हो रहा है कि अपन को इट विल टेक सम टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा वो. तो यहां हम देखें तो डिस्क इनपुट आउटपुट बॉटलनेक्स आर सम कॉमन सोर्स ऑफ डिले इन डेटा प्रोसेसिंग. फॉर्चुनेटली देयर आर सम ट्रिक्स दैट यू कैन यूज टू मिनिमाइज देयर इंपैक्ट. कुछ ट्रिक्स हैं जिनको हम यूज करके कुछ मिनिमाइज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक बात करें, अभी आप देखते थे पहले जो यूएसबी आती थी 2.0, अब यूएसबी 3.0, उससे क्या हो गया डेटा फास्ट हो गया थोड़ा सा. तो क्यों हो गया फास्ट, उन्हें छोटा कोई इसमें प्रोग्रामिंग उसमें ऐसी लगाई है कि वो डेटा को थोड़ा फास्ट कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है. सेकंड एक पॉसिबल सॉल्यूशन जो निकला वो हार्ड डिस्क की जगह अब हम एसएसडी सॉलिड स्टेट डिस्क हम यूज करने लगे जो थोड़ा सा फास्ट रन फास्ट करती है. तो अगर आज की डेट में अगर आप लैपटॉप नया वाला खरीदने के जाओगे तो इट बेसिकली कंटेन्स एसएसडी हार्ड एसएसडी डिवाइसेस. वो हार्ड डिस्क नहीं होती उनमें आजकल, उनमें एसएसडी डिवाइसेस होती हैं जो बेसिकली रन वेरी फास्ट है. दूसरा अल्टरनेट सॉल्यूशन की बात हम करें तो वी कैन यूज सम मेमोरी डेटा प्रोसेसिंग विच इज मच फास्टर देन रिलाइंग ऑन कन्वेंशनल स्टोरेज. तो हम कुछ यहाँ पे मेमोरी डेटा प्रोसेसिंग को हम कुछ यूज करेंगे जब ये अपन स्लाइड्स में देखेंगे नेक्स्ट क्लास में कि क्या होती हैं वो डिवाइसेस. सो दैट कैन वर्क ऑन वेरी फास्ट. सेकंड अगर हम उसके बात करें सो सेकंड प्रॉब्लम की बात अगर हम करें तो वो है लैक ऑफ स्केलेबिलिटी. स्केलेबिलिटी से मीनिंग आप सभी लोग जानते हैं कि इफ योर डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर कैन नॉट इंक्रीज इन साइज एज योर डेटा नीड्स ग्रो इट विल अंडरकट योर एबिलिटी टू टर्न डेटा इनटू वैल्यू. मीन्स अगर मान लीजिए हमारा डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर अगर मैंने कोई सर्वर लगा रखा है, वन टीबी स्टोरेज का लगा रखा है,
और जिस हिसाब से डेटा हमारा प्रतिदिन बढ़ रहा है, एवरी सेकेंड बढ़ रहा है, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, एडिशनल हार्ड डिस्क, एडिशनल कोई डिवाइसेस लगानी पड़ेगी जो मुझे उसमें जरूरत पड़ेगी। हमारा सिस्टम जो है वो स्केलेबल होना चाहिए, मीन्स हमारा सिस्टम जो है पूरा का पूरा स्केलेबल होना चाहिए कि जरूरत पड़ने पे हम उसको चेंज कर सकें। एट द सेम टाइम यू डोंट वॉन्ट टू मेंटेन सब्सटेंशियली मोर बिग डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर देन यू नीड टूडे जस्ट सो दैट देर इज देयर फॉर अ फ्यूचर, अदरवाइज यू विल बी पेइंग फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर यू आर नॉट करेंटली यूजिंग विच इज नॉट यूज गुड यूज ऑफ मनी। मतलब यहां पर इसका तात्पर्य है कि अगर मान लीजिए मैं कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर लगा लूं, तो सपोज अपन 1 जेटाबाइट के हिसाब से कुछ स्टोरेज डिवाइस या कोई बड़ा सर्वर ले लूं, और पता चला कि हमारे पास उतना डेटा ही नहीं आ रहा है, हमारे पास उसका स्टोरेज कैपेसिटी तो हमने बड़ी कर ली पर वो डेटा या हम उसको मैक्सिमम यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं या हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को ऑप्टिमाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारा क्या हो रहा है, वेस्टेज ऑफ मनी। उसका दूसरा सॉल्यूशन क्या निकाला, द क्लाउड कंप्यूटिंग। अभी अपन जो पिछले सेमेस्टर, अच्छा सॉरी, अभी आपने क्लाउड कंप्यूटिंग पढ़ा है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग एक नया सॉल्यूशन निकला कि पे एस यू रिक्वायर। मतलब अगर आपको लगा कि 1 TB हार्ड डिस्क कंप्लीट हो गई है तो 2 TB हार्ड डिस्क लेते हो तो 2 TB स्पेस मुझे मिल जाएगी ऑन द क्लाउड। जैसे 2 TB स्पेस भर गया मैं 3 TB स्पेस के लिए अप्लाई कर दूंगा, मीन्स ऑटोमेटिकली जितना मैं उतना ही पे करूंगा जितनी मेरी रिक्वायरमेंट है। अगर सपोज मेरा डेटा कोई काम का नहीं है, मैंने डिलीट कर दिया, मुझे स्पेस कम चाहिए, हम अपने स्पेस को रिड्यूस कर लेंगे। तो क्लाउड कंप्यूटिंग एक बहुत अच्छा सोर्स बन के आया है, एक रिसोर्स बन के आया है कि जहां पर हम अपने इसको मैनेज कर पाएंगे कि हमें नहीं है जरूरत इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इंफ्रास्ट्रक्चर कम कर लेंगे। अगर मुझे जरूरत नहीं है सॉफ्टवेयर की, तो हम अपने सॉफ्टवेयर को रिड्यूस कर लेंगे, मींस वी कैन पे एज वी रिक्वायर। थर्ड पॉइंट की बात करें, अगर हम जो मेन, अभी हम इसमें मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही डिस्कस कर रहे हैं केवल, थर्ड पॉइंट जो है वो है कि स्लो नेटवर्क कनेक्टिविटी क्या है कि सपोज इफ योर डेटा इज लार्ज इन साइज, आपका डेटा जो है वो लार्ज साइज का है, और ट्रांसफरिंग इट अक्रॉस द नेटवर्क कैन टेक टाइम। जब हम उसको एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर ट्रांसफर कर रहे हैं तो इट विल टेक सम टाइम। सो वो भी जनरली हम पब्लिक नेटवर्क की बात, पब्लिक इंटरनेट या पब्लिक नेटवर्क की बात कर रहे हैं, वेयर बैंडविड्थ टेंड्स टू बी मच लिमिटेड देन इट्स ऑन द इंटरनल कंपनी नेटवर्क। तो जब हम डेटा अगर हमारा ट्रांसफर होना है तो हमें बेसिकली प्रेफर करना चाहिए अपने इंटरनल नेटवर्क के लिए, हमें अपना खुद का लोकल एरिया नेटवर्क बना लेना चाहिए, खुद के इंटरनल रूटर्स यूज कर लेना चाहिए, खुद का मुझे वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यूज करना चाहिए VPN, जिससे हम अपने डेटा को हाईली स्पीड पे ट्रांसफर कर सकें। तो हम अगर कोई एक्सटर्नल सर्विस लेते हैं किसी की, फॉर एग्जांपल हम किसी बाहर से ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेते हैं या बाहर से कोई इंटरनेट फैसिलिटीज लेते हैं, तो वी हैव टू पे मनी, यू हैव टू पे हाई टू देम, तो अपना कॉस्ट इफेक्ट भी यहाँ आता है। तो पेइंग फॉर मोर बैंडविड्थ इज वन वे टू मिटिगेट दिस प्रॉब्लम। या तो हम हाई बैंडविड्थ खरीदें उसको पे करें, और अगर हम उसको पे कर रहे हैं तो हमें क्या हो रहा है, फाइनेंशियल लॉस हो रहा है। अगर हम इंटरनल बैंडविड्थ बना, इंटरनल नेटवर्क अगर तैयार कर लेते हैं कोई अच्छा, तो वो हमारे लिए चीपर पड़ता है। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, नेटवर्क कनेक्टिविटी की हमारी प्रॉब्लम इश्यूज या प्रॉब्लम आती है। फिर अगर हम बात करें एक नेक्स्ट प्रॉब्लम, तो एक जो प्रॉब्लम हमारे पास आती है वो आती है सब ऑप्टिमल डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, मींस गेटिंग डेटा फ्रॉम द फॉर्मेट इन विच इट इज बॉर्न इनटू द फॉर्मेट दैट यू नीड टू एनालाइज इट। मतलब यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि आपने को एक डेटा को एनालाइज करना है, और सपोज कोई डेटा वर्ड के फॉर्मेट, फॉर एग्जाम्पल हम एक छोटा सा उदाहरण की बात कर रहे हैं कि मान लीजिए वर्ड में टेबल फॉर्मेट में कोई डेटा आया है, लेकिन अगर हम देखें
एक्सेल में हमारे पास बहुत सारे फीचर्स होते हैं जिसमें हम डेटा एनालिसिस कर सकते हैं। अब डेटा टूल मेरे पास एक्सेल में है और हमारे पास डेटा है वर्ड में, तो अगर हम देखें इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एनालाइज द डेटा ऑफ अ वर्ड, मतलब दिस इज अ सिंपल एग्जाम्पल जिसपे हम रेगुलर काम करते हैं। अगर टेबल के टेबल में है और मुझे उसमें कहें कि मुझे शॉर्टिंग करके दो, एक्सेल निकालना है, मतलब सॉरी एससी एसटी या कैटेगरीज वाइज शॉर्टिंग करके दो, तो थोड़ा सा शॉर्टिंग करने में मुझे दिक्कत होती है। जबकि यही चीज अगर हम एक्सेल में मेरे पास टेबल होती तो हम फिल्टर कमांड यूज करके कैटेगरी वाइज शॉर्ट कर लेते, मेल वाइज शॉर्ट कर लेते, अल्फाबेटिकली शॉर्ट कर लेते, सिटी वाइज शॉर्ट कर लेते। मीन्स उस फिल्टर कमांड का हम यूज बहुत शानदार तरीके से कर सकते हैं इंस्टेड वर्किंग विद द सेम टूल ऑन द वर्ड। वर्ड में वो सारी फैसिलिटीज हमारे पास नहीं होती है कि जिसमें हम ज्यादा अच्छे से एनालाइज कर पाए। तो एक बहुत अच्छा सिंपल एग्जाम्पल है वर्ड और एक्सेल की बात हम जब कर रहे हैं। इन द सेम वे जब मेरे पास डेटा बड़े स्तर पे है, बिग डेटा जब हमारे पास आता है तो वह अनफॉर्मेटेड है, मतलब फॉर एग्जाम्पल वी आर सपोज सर्चिंग सम वीडियो सॉन्ग। अब वीडियो सॉन्ग मुझे कोई सर्च करना है तो वीडियो सॉन्ग हो सकता है वो कहीं ना कहीं डिफरेंट फॉर्मेट्स में भी हो सकता है, MP4 फॉर्मेट्स में हो रहा है, कहीं AVI फॉर्मेट में कोई वीडियो हो रहा होगा, कहीं कोई तीसरे और कोई फॉर्मेट में भी हो सकता है, कोई ऑडियो सॉन्ग में सर्च कर रहा हूँ वो हो सकता है MP3 में हो रहा हो। तो जब वो डिफरेंट फॉर्मेट्स में कोई वीडियो अवेलेबल है तो हमें क्या हो रहा है, बहुत दिक्कत होती है उस डेटा को सर्च करना या उसको एनालिसिस करना या उस पर काम करना। सो दिस इज अ सब ऑप्टिमल मीन्स वी आर गेटिंग द डेटा इन अ डिफरेंट फॉर्मेट। सो मोस्ट एप्लीकेशन स्ट्रक्चर डेटा इन द वे दैट वर्क बेस्ट फॉर देम विद लिटिल कंसिडरेशन ऑफ हाउ वेल दोस स्ट्रक्चर वर्क फॉर अदर एप्लीकेशन और कॉन्टेक्स्ट। तो कुछ एप्लीकेशन होती हैं कुछ MP4 फॉर्मेट के लिए बहुत अच्छे से काम कर रही होंगी, हो सकता है AVI के लिए अच्छे से नहीं कर रही हूँ या MP3 के लिए नहीं कर रही हूँ। तो ये छोटी प्रॉब्लम्स भी कई बार अक्कर होती है जब हम काम कर रहे होते हैं उस पे। फिर सो दिस इज वाई द डेटा ट्रांसफॉर्मेशन इज सो इम्पोर्टेंट एंड डेटा ट्रांसफॉर्मेशन अलाउज यू टू कन्वर्ट डेटा फ्रॉम वन फॉर्मेट टू अनदर। तो जो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट करने में मदद करता है, पर अगेन टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है और हमारी मेहनत यहां पर बढ़ जाती है। सो ये था हमारा टोटल आज का, हमारे यहाँ पे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर भी खत्म हो जा रहा है और हमारी जो पहली यूनिट है अगर मैं उसको देखें तो पहली यूनिट में जो मेरा था कोर्स इंट्रोडक्शन टू बिग डेटा था, बिग डेटा कैरेक्टरिस्टिक्स थी, टाइप्स ऑफ बिग डेटा था, ट्रेडिशनल वर्सेस बिग डेटा, इवोल्यूशन ऑफ बिग डेटा, चैलेंजेस विद बिग डेटा, फिर टेक्नोलॉजीज अवेलेबल फॉर बिग डेटा, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर अ बिग डेटा, और फिर बचा है यूज ऑफ डेटा एनालिटिक्स और डिजायर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ बिग डेटा सिस्टम।